नमस्कार, मेरा नाम अविनाश है और आप मुझे देख रहे हैं cgsandesh.com में। आज हम मौजूद हैं बसना विधानसभा के ग्राम देवरी में, जो बसना विधानसभा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे में स्थित है। आज 26 जनवरी का दिन है और देवरी में आज बाज़ार भी लगा हुआ है। तो हम यहाँ के लोगों से चर्चा करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसे वो सत्ता की कुर्सी में बैठाना चाहते हैं और बसना विधानसभा से किसे अपना नेता बनाकर भेजना चाहते हैं। क्या है आपका नाम? रायचंद तांडी। रायचंद तांडी, कौन से गांव के हैं आप? छुआरीपत्रा। यहाँ बाजार कितने दिन से लगा रहे हैं? बाजार हो गया अपना दो तीन साल हो गया। तो आगामी विधानसभा चुनाव में क्या लगता है आपको, किसकी सरकार आने वाली है, भाजपा या कांग्रेस? उसको कैसे जानेंगे पापा, कांग्रेस की सरकार ऐसे नहीं होता है, चुनाव होता है बेटा। हाँ, तो मतलब कांग्रेस का 4 साल का कार्यकाल आपने देखा, तो क्या लगता है कुछ विकास किया है कांग्रेस ने या नहीं किया है? नहीं किया है भी। तो जो माफ किया है, कर्ज माफ किया है। हाँ, तो जो कर्ज माफी हुई, तो क्या दोबारा उस मुद्दे पर आप कांग्रेस की सरकार नहीं बनाना चाहते? नहीं नहीं, कैसे नहीं बनाएंगे भाई, नहीं अभी कैसे सोचोगे, अभी तो टाइम है ना बेटा। अभी टाइम है बोलो, मतलब अभी आप इंतजार करेंगे। तो कांग्रेस की सरकार ने काम किया, आप ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, नहीं विकास हुआ आपके गांव में? अब सब हो रहा है, माटी गाड़ी चल रहा है, माटी वाटी बोह रहे हैं भाई। तो इस बार किसकी सरकार आएगी, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा कांग्रेस के तो बोल नहीं सकते हम, लेकिन हमारे यहाँ संपत भैया को जिताना है और वो ही जीतेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे संपत अग्रवाल जी का माहौल? हाँ, माहौल पूरा 100% है यहाँ। अच्छा, तो क्या वजह है कि आप संपत अग्रवाल को चुनाव में जिताना चाहते हैं? क्योंकि वो हमारे पास का है और हमारे सुख दुख को पूरा सब चीज़ जानता है, वो देख रहा है, आसपास घूम रहा है एनी टाइम। अगले विधायक लोगों का तो पता नहीं है यहाँ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या। अच्छा, तो वर्तमान विधायक से आप कितने खुश हैं? वर्तमान विधायक भी ठीक है भाई, लेकिन वो अभी क्या है, हमारे इधर का काम आम तो उतना पता नहीं चलता क्या क्या कर रहा है। तो अच्छा, तो आप चाहते हैं कि एक मौका संपत अग्रवाल जी को मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, जरूरी है। तो जैसे कि अगर संपत अग्रवाल जी को बीजेपी से टिकट नहीं मिलती है, अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं, तो क्या वो फिर भी चुनाव जीत जाएंगे? जितना तो चाहिए, लेकिन अब कैसे करेंगे पब्लिक। आपको क्या लगता है, संपत अग्रवाल को बीजेपी से टिकट मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए, बताएंगे? वही क्या, वो क्या बताएंगे, वो तो हो गया। आप भी वोटर हैं, मतलब आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? हैं, बीजेपी में मिल जाना से ये 100% जीतने वाले हैं। अच्छा, बीजेपी की सरकार? तो बीजेपी की सरकार आप क्यों चाहते हैं वापस? क्या कांग्रेस ने विकास नहीं किया है विगत 4 वर्षों में? वो नहीं किए हैं, वो कुछ नहीं बना भी पा रहे हैं और नहीं बिगाड़ रहे हैं भी वैसे। जैसे कि क्या नहीं, क्या बनाना चाहते थे आप, कौन से गांव के पहले? तो ये शंकरपुर। शंकरपुर, तो क्या नहीं बना पाया है कांग्रेस सरकार ने 4 साल में आपके गांव के लिए? हैं, क्या उनको धोरिया रहते हैं वो तो पता नहीं, हम मतलब पास वालों को जिताना चाहते हैं। अच्छा, तो आगामी विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का? मुद्दा के बारे में तो हमको ऐसे, हम किसान लोग हैं, है कि नहीं जी? हमारा धान, धान का समर्थन मूल्य बढ़े, है कि नहीं? और जो धान अभी जो कम ले रहा है सरकार, उसको ज़्यादा ले। अच्छा, हाँ, यही हम रिक्वेस्ट है सरकार से। तो यहाँ पे कुछ और लोग भी आ चुके हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। भैया, कांग्रेस या बीजेपी? उसका तो माहौल अभी कुछ नहीं कि, हम तो घूमने आए हैं अभी, मतलब अभी चुनावी माहौल नहीं आया है। तो आप कौन से गांव से हैं? हम सागुन ढाप सांकरा से हैं। क्या नाम है आपका? मुख्य राज जमींदार। तो 4 साल से कांग्रेस की सरकार है प्रदेश में, विधायक भी यहाँ कांग्रेस के हैं। हाँ। तो क्या लगता है आपको, कुछ विकास हुआ है? अभी तो फिलहाल कांग्रेस ठीक है। कांग्रेस अच्छा। हाँ। है, तो क्या आप दोबारा मौका देंगे कांग्रेस सरकार? हाँ हाँ, कांग्रेस सरकार को दोबारा मौका देंगे। कि भाजपा को मौका देंगे? नहीं नहीं, कांग्रेस को देना। हाँ हाँ, तो यहाँ पे एक ऐसे भी व्यक्ति मौजूद है जो कांग्रेस को भी दोबारा मौका देना चाहते हैं, कुछ लोग बीजेपी को मौका देना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो संपत अग्रवाल जी को भाजपा से टिकट दिलाकर उन्हें विधायक बनाना चाहते हैं अपने क्षेत्र में। मेरा नाम सादिक अली है जी। तो आगामी विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार आने वाली है? अभी यही चल रही है विपक्ष बघेल का, उसी कांग्रेस सरकार आने वाली है। और क्या है, मतलब आप कांग्रेस के कार्यकाल से खुश हैं? हाँ, खुश है, खुश हम किस में, किस है? हम छोटे किसान हैं, खुश हैं, मतलब विकास अच्छा हो रहा है। हाँ, अच्छा विकास हो रहा है, बढ़िया है। चलिया सांड। कौन गांव के हैं? सरेपदरा। तो इधर ही काका सरकार बनी चुनाव में, बोला कैसे जानवे का तो विकास हुई से कि नहीं 4 साल में? नहीं, ठीक है। हाँ, तो लाभ मिला थे सरकारी योजना के? हाँ मिला थे। तो मतलब कांग्रेस की सरकार रिपीट कर बे की? हाँ रिपीट कर बो जगह। रिपीट मतलब कांग्रेस की सरकार फिर आए की उम्मीद है का? हाँ। मेरा नाम भूषण पटेल।
कहाँ से हैं? मैं तिलंजनपुर। तिलंजनपुर, क्या लगता है आपको आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आने वाली है छत्तीसगढ़ में? ये तो कह नहीं सकते, लेकिन आगामी में फिर कांग्रेस आने वाली है। अच्छा, फिर से कांग्रेस आने वाली है, ऐसा क्यों लगता है? धान का यदि 2000 अभी जो रेट दिया है धान कांग्रेस सरकार, और उसको 2700 यदि करता है तो कांग्रेस सरकार फिर निश्चित आ सकता है। अच्छा, तो आप ऐसा छत्तीसगढ़ में हमारे कांग्रेस सरकार यदि कांग्रेस सरकार 2700 करता है, किसान हित में यदि सोचता है, तो फिर कांग्रेस सरकार आ सकती है। अच्छा, तो आप मतलब कि बसना विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी कैसा होना चाहिए जिसे आप जिताना चाहते हैं? कांग्रेस का प्रत्याशी तो चेंजेस होना चाहिए। अच्छा। और जो लोकप्रिय हो और अच्छा काम करे, कर्मठ प्रत्याशी हो। हाँ, तो क्या आप वर्तमान विधायक के कार्यकाल से खुश हैं? खुश तो हैं, लेकिन उसके जो यहाँ वसूली कर रहे हैं वो उससे नाराज हैं सब। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि टिकट कांग्रेस से किसी और को मिलना चाहिए? बिल्कुल। निकेश सेन। कहाँ के निवासी हैं? मैं बसना का निवासी हूँ। तो आप यहाँ देवरी में कितने दिन से दुकान लगा रहे हैं? मेरा लगभग यहाँ 8 साल से दुकान है। तो यहाँ काफ़ी लोगों का आना जाना रहता होगा? हाँ, आना जाना है ना यहाँ। तो क्या लगता है आपको आगामी विधानसभा चुनाव में बसना विधानसभा और छत्तीसगढ़ में यहाँ की जनता किसे सत्ता की कुर्सी में बिठाना चाहती है? क्या कांग्रेस की सरकार वापस आएगी या जनता का मूड है वो सरकार बदलेगी? मेरे हिसाब से मैं यहाँ तक जितना भी है मेरे को जानकारी मिला है, तो मतलब किसान लोग तो कांग्रेस को ही लाना चाहते हैं, क्योंकि वह समर्थन मूल्य मतलब बढ़ाने का दावा कर रहे। तो अगर समर्थन मूल्य बढ़ेगा तो कांग्रेस आने का चांस है, और अगर समर्थन मूल्य नहीं है तो दोनों का चांस है। क्या है कि कांग्रेस की वजह से खाली किसानों को ज़्यादा लाभ हो रहा है अभी के डेट में, और गरीबों को जैसे आवास योजना जो था वो बंद हो गया, आरक्षण की वजह से युवा वर्ग जैसे भर्ती वगैरह हो रहा था वो सब चीज़ रुका पड़ा हुआ है, और जो वैकेंसी वगैरह है निकल नहीं रहा है, उसके वजह से युवा वर्ग बहुत नाराज है। तो इसी की वजह से कांग्रेस में थोड़ा सा अगर परिवर्तन होता तो अच्छा होता। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो छत्तीसगढ़ में और दोबारा बीजेपी की, एक बार बीजेपी की सरकार फिर आए? हाँ, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए एक बार परिवर्तन। और हमारे यहाँ के विधायक यहाँ एक्टिव ही नहीं है। अच्छा। हाँ, ना यहाँ का देख रेख करते हैं, 5 साल से कुछ आना जाना कुछ भी नहीं है, बस यहाँ का हाल चाल भी देख नहीं रहे हैं। इसी के वजह से एक बार परिवर्तन होना चाहिए यहाँ बसना विधानसभा में। अच्छा, तो आप बसना विधानसभा से विधायक के जो प्रत्याशी हैं, कैसे प्रत्याशी को आप चुनना चाहते हैं? प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? यहाँ मतलब कि कर्मठ काम करने वाले होना चाहिए, जो सब में आना जाना करे, मतलब देख रेख करे यहाँ, उस टाइप के प्रत्याशी होना चाहिए। ना कि चुनाव जीतने के बाद यहाँ दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, उस टाइप से प्रत्याशी को हम अपना बसना विधानसभा देखना नहीं। मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरे को मतलब किसी पार्टी का ना मैं समर्थन करता हूँ, कांग्रेस का ना करता हूँ, ना बीजेपी का। मैं अपने हिसाब से अगर जो काम कर रहे हैं यहाँ, हम उसी को जिताना चाहेंगे।